हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम मैट्रिसेस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आज हम स्टडी करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने मैट्रिसेस के दो वीडियोज आपको दिए थे, उसमें हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन, उसके सभी टाइप्स और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को हमने स्टडी किए थे। उसी के साथ साथ हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म के भी कुछ वीडियोज आपको दिए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आज हमें स्टडी करना है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ए बी सी तीन मैट्रिक्स लिए हैं और हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन में लिखा है, सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम वेरीफाई कर लेते हैं तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और अगर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अगर ये प्रूफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हमें सबसे पहले ये चेक करना है। तो चलो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए अगर हमें ये वेरीफाई करना है तो ये देखिए ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। हमें क्या करना पड़ेगा, एलएचएस को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस को अलग सॉल्व करना पड़ेगा और लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि एलएचएस और आरएचएस सेम है कि नहीं। अगर एलएचएस आरएचएस दोनों सेम हो जाते हैं तो हम कहेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, तो वो हम कहेंगे। तो चलो यहां पे एलएचएस आरएचएस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एलएचएस जिसमें हमें ए प्लस बी करना है तो हम लेंगे दैट इज एलएचएस ए प्लस बी। सबसे पहले हम ए प्लस बी को हम सॉल्व करेंगे, एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं ए प्लस बी, इसका मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। लेकिन एडिशन करते समय आपको क्या चेक करना है, एडिशन करते समय आपको दोनों मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन नहीं हो सकता। वो इसके पहले भी हमने बताए थे आपको इसके पहले के वीडियो में। तो चलो यहां देखते हैं कि ए और बी का यहाँ पे ऑर्डर क्या है। तो ए में ऑर्डर है 2/2, बी में भी ऑर्डर है 2/2, वैसे सी का भी ऑर्डर 2/2 है। तो हम यहां पे ऑर्डर लिख लेते हैं, तो ये ऑर्डर 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर 2/2 का है और इसका भी ऑर्डर 2/2, क्योंकि जब कभी भी हमें एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है तो ऑर्डर हमेशा सेम होना। ऑर्डर का अर्थ क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बिल्कुल सेम संख्या में होना, जितना रो उतना ही कॉलम होना। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे ए मैट्रिक्स में यहाँ पे दो रोज है और यहाँ पे दो कॉलम है, इसका मतलब इसका 2/2 ऑर्डर है। बी में भी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है और सी में भी वही है, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, देन हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। तो ए है 2-5, 8, 15 और बी है दैट इज 1372, और अब हम दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको ऐड करना है, 2 को 1 के साथ ऐड करो तो ये हो जाएगा 3, देन -5 + 3 ये हो जाएगा -2, 8 + 7 ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे 15 और 2 ये हो जाएगा 17। तो हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे ऐड किए हैं, फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड किए, सेकंड प्लेस का एलिमेंट सेकंड प्लेस के साथ ऐड किए, यहाँ पे एक्चुअली सब्सट्रैक्शन हो गया क्योंकि इसके आगे माइनस है, देन थर्ड प्लेस का एलिमेंट यहाँ पे हमने थर्ड प्लेस के साथ ऐड किए, फोर्थ प्लेस का एलिमेंट फोर्थ प्लेस के साथ ऐड किए, और ये हो गया एलएचएस। ए प्लस बी हमने फाइंड आउट कर लिए और अब हम आरएचएस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। आरएचएस राइट हैंड साइड, ये जो हमें इक्वेशन प्रूफ करना है उसमें जो आरएचएस है बी प्लस है, हम वो करेंगे और हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे कम्यूटेटिव होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ए प्लस बी बी प्लस ए हमें चेक करना है, तो बी मैट्रिक्स हम लिखेंगे 1372 और ए मैट्रिक्स है 2-5, 8, 15, और यहाँ पे ऐड करने के बाद देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो जहां तक 1 + 2 करेंगे तो ये 3, 3 + -5 करेंगे तो -2, 7 + 8 करेंगे तो ये 15 और 2 + 15 करेंगे तो ये 17। तो ये देखिए ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, हम यहां लिखेंगे कि ये एलएचएस है और ये है आरएचएस। तो हम यहां लिखेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे और हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, सो देयरफॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। तो फाइनली हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे प्रूफ कर दिए, हमने पहला इक्वेशन वेरीफाई करके ये प्रूफ कर दिए, और अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सेकंड में हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी ये जो एलएचएस है वो इधर के ए प्लस बी प्लस सी दैट इज आरएचएस के साथ LHS is equal to RHS होता है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो चलो हम यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS जो है वो यहाँ पे है A plus B plus C,
तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी है, हमें पहले ये ऐड करना है, हमें इनडायरेक्टली तीनों को ऐड करना है, लेकिन एडिशन करते समय आपको चेक करना है तीनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। और ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि तीनों का ऑर्डर जहां तक सेम है, देखो a का ऑर्डर हमने लिखे, b का ऑर्डर लिखे, c का भी ऑर्डर हम यहां पे लिखते हैं 2/2, क्योंकि c में यहां पे दो रोज है और दो कॉलम्स है, इसका मतलब तीनों का ऑर्डर सेम है। और अब हम यहां पे ऐड करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे a प्लस, यहां पे a मैट्रिक्स लिखो, देन यहां पे b और c मैट्रिक्स हमें यहां पे लिखना है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो b और c मैट्रिक्स को पहले ऐड करना है, क्योंकि b और c को यहां पे ब्रैकेट में लिखा है। तो ये हम लिखेंगे 2-5 दैट इज 8-15, ये a मैट्रिक्स लिखे, b मैट्रिक्स लिखेंगे 1-3-7-2, c मैट्रिक्स हम लिखेंगे -3-4 देन 5 और 8, ये हमने तीनों मैट्रिक्स यहां पे लिख दिए। और अब हमें एडिशन करना है, तीनों का एक साथ एडिशन नहीं करना है, यहां पे प्रॉपरली चेक करो, a प्लस b प्लस c है, b प्लस c जो है वो ब्रैकेट में है, इसका मतलब पहले b और c का एडिशन करना है। तो हम इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमने इसको ब्रैकेट में दे दिए, पहले इन दोनों को ऐड करो, जो कुछ भी रिजल्ट आएगा फिर वो इसके साथ ऐड करो। तो चलो हम वो ऐड करेंगे, a मैट्रिक्स जो है वो वही का वही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 2-5, 8 और 15 ये एज इट इज है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करो, 1 को -3 के साथ ऐड करो, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा तो ये -2, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ऐड होगा ये 7, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ ऐड होगा तो ये 12, और नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये 10। तो फाइनली हमने दोनों को एडिशन कर लिया है, तो ये रिजल्ट आ गया है। और अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखते हैं दोनों का एडिशन क्या होता है। तो यहाँ पे 2 प्लस -2 तो ये हो गया 0, -5 प्लस 7 तो ये हो गया 2, 8 प्लस 12 तो ये हो गया 20, और लास्ट में 15 प्लस 10 तो ये हो गया दैट इज 25। तो ये हमने LHS यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, और अब हमें यही इक्वेशन का RHS हमें प्रूफ करना है, देखते हैं RHS क्या आता है। तो RHS हम लेंगे, RHS यहाँ पे a प्लस बी, तो पहले a और b को ऐड करना है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर c के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे a b c तीनों मैट्रिक्स हम लिखेंगे, तो ये a मैट्रिक्स, देन यहाँ पे हम लिखेंगे b मैट्रिक्स, दोनों को हम ब्रैकेट में दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी ब्रैकेट है इसलिए, फिर हम इसका जो भी रिजल्ट है वो हम यहाँ पे c मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे a और b को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो गया 2-5, 8, ये 15, ये हो गया a मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स लिखेंगे 1-3-7-2, देन हम c मैट्रिक्स लिखेंगे -3-4-5 और 8। तो फाइनली अब हमें a और b को पहले ऐड करना है, देखते हैं इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आता है। हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, a और b का एडिशन हम यहाँ लिखेंगे, और देन हम उसको c में यहाँ पे ऐड करेंगे। तो a और b को ऐड करेंगे, तो देखो a में यहाँ पे 2 है, देन प्लस 1 है, 2 प्लस 1 ये हो गया 3, ठीक है, देन -5 प्लस 3 तो ये हो गया -2, देन 8 प्लस 7 तो ये हो गया 15, देन 15 प्लस 2 तो ये हो गया 17। तो देखो a और b को हमने ऐड कर दिए, ये आया, c मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज रहेगा, तो ये हम लिखेंगे। और अब हम दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस -3 ये 0, -2 प्लस 4 तो ये हो गया 2, 15 प्लस 5 तो ये हो गया 20, 17 प्लस 8 तो ये हो गया यहाँ पे 25। और ये हमने RHS यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। और अब हम ये जो LHS सॉल्व किए थे इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, RHS जो सॉल्व किए उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, और दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो हम कहेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। और यहां पे हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल्स टू RHS, और ये हमने लिखने के बाद अब हमें नीचे स्टेटमेंट लिखना है कि देयरफॉर, दैट इज हम इधर से लिखेंगे, देयरफॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। तो फाइनली सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने यहां प्रूफ कर दी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन अभी तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। देखो लास्ट में एक और इक्वेशन हमें वेरीफाई करना है कि 3a + b = 3a + 3b, हमें यह भी वेरीफाई करना है, तो चलो इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो 3a + b = यहां पे 3a + 3b, ये हमें यहां पे वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम यहां पे पहले LHS को सॉल्व करेंगे, फिर हम RHS को सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चलो सबसे पहले LHS को हम लेंगे, LHS है दैट इज 3a + b, a प्लस बी जो है वो ब्रैकेट में है, इसका मतलब a और b को ऐड करके फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 बाहर रखेंगे और ब्रैकेट में हम यहां पे a मैट्रिक्स लिखेंगे, और फिर हम प्लस करके यहां b मैट्रिक्स लिखेंगे,
और इसको भी हम ब्रैकेट में दे देंगे। देखिए ये 3 बाहर में है और अब हम यहां पे ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हम यहां लिखेंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम फाइनल रिजल्ट यहां लिखेंगे। तो चलो देखते हैं, यहां ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ए मैट्रिक्स है 2 -5 8 15 और यहां बी मैट्रिक्स है 1 3 7 2 और अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करना आपको आता है, तो ये हो गया 3 -2, ये हो गया 15 और ये हो गया यहां पे 17 और अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। 3 से आपको ये पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये स्केलर नंबर है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 से हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 ये हो गया 9, 3 × -2 तो ये हो गया -6, 3 × 15 तो ये हो गया 45, 3 × 17 तो ये हो गया 51। तो फाइनली ये हमने LHS यहां पे सॉल्व कर लिए, LHS हमें मिल गया। अब हम RHS की बारी, अब देखते हैं RHS में क्या होता है। RHS लेंगे और उसको भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि LHS RHS सेम आता है कि नहीं। LHS के बाद हम लेंगे RHS, तो हम यहां लिख रहे हैं दैट इज RHS जो कि है 3A + 3B। तो हम सबसे पहले 3 के बाद हम यहां A मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस यहां 3 के बाद हम यहां B मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बना वो हम यहां पे लिखेंगे और फिर दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा वो हम यहां लिखेंगे और ये हमारा फाइनली RHS हो जाएगा। और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और इसको हम मिलने के बाद इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो चलो यहां ए मैट्रिक्स लिखो। ए मैट्रिक्स है 2 -5 8 और 15 और बी मैट्रिक्स है यहां पे 1 3 7 2 और अब इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब यहां पे फिर से स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये पूरे मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और यहां पे भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे 3 2 ये हो जाएगा 6, 3 5 ये हो जाएगा -15, 3 8 ये हो जाएगा 24, 3 15 ये हो जाएगा 45 और अब इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, 3 3 9, 3 7 21, 3 2 यहां पे 6 और अब हम दोनों को ऐड करेंगे और देखते हैं कि यही रिजल्ट आता है कि नहीं। फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करो तो 6 + 3 ये हो गया 9, सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड करो लेकिन इसके सामने माइनस है तो यहां पे सब्सट्रैक्शन होगा, तो -15 + 9 ये हो जाएगा -6, देन 24 + यहां पे 24 + 21 ये हो जाएगा 45 और लास्ट में 45 + 6 तो ये हो जाएगा 51। तो देखिए फाइनली LHS RHS दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो हम यहां लिखेंगे from 1 and 2 LHS equals to RHS। तो फाइनली ये थर्ड इक्वेशन भी हमने वेरीफाई कर दिए। 3 इक्वेशन दिए थे, तीनों के तीनों हमने वेरीफाई कर लिए। तो ये था मैट्रिसेस का आज का वीडियो जिसमें हमने आज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किए। इसके पहले ऑलरेडी हमने मैट्रिसेस के 2 वीडियोस बनाए थे, वो भी आप स्टडी कर लीजिए जिसमें आपका पूरा मैट्रिसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ साथ लैपलेस ट्रांसफॉर्म के भी कुछ वीडियोस आपको दिए थे, वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा। तो इसके पहले के ये सभी वीडियो स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।